दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है ट्रेड प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर। इसके बाद आरसीबी के नए खिलाड़ी, आईपीएल के ऑक्शन डेट, ड्राफ्ट विंडो और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जोर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जोर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है बीसीसीआई की तरफ से, और बीसीसीआई की तरफ से बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जहां पर इंडियन प्लेयर्स को फॉरेन टी20 लीगों में खेलने की अनुमति मिल सकती है। यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स बिग बैश लीग जैसे लीगों में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से, और चेन्नई की टीम पैट कमिंस को अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि चेन्नई के प्लेइंग 11 में करेंटली कोई भी बेहतरीन विदेशी तेज गेंदबाज नहीं है। तो इस वजह से चाहती है कि पैट कमिंस को चेन्नई की टीम अपने स्क्वाड में ट्रेड कर ले। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है केएफसी टी20 लीग को लेकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट होने वाला है। और इस टी20 लीग में आईपीएल के दो स्टार प्लेयर्स यानी कि चेतन सकारिया और मुकेश चौधरी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि केएफसी टी20 लीग में चेतन सकारिया और मुकेश चौधरी पहली बार खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है मिनी आईपीएल को लेकर, यानी कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग को लेकर, जिसमें आईपीएल टीमों के मालिकों ने टोटल 6 टीम परचेज किया है। और अब रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स यहां पर मिनी आईपीएल में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और इसके ऊपर फाइनल डिसीजन 26 जुलाई को बीसीसीआई दे देगी। यानी कि 26 जुलाई को यह पता चल जाएगा कि क्या इंडियन प्लेयर्स मिनी आईपीएल में खेलेंगे या फिर नहीं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि चेन्नई के ओनर ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग में जो टीम परचेज किया है उस टीम का नाम है जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स। तो यहां पर आईपीएल 2023 से पहले मिनी आईपीएल देखने को मिलेगा, और ये काफी बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ऑक्शन डेट को लेकर। तो आईपीएल 2023 के ऑक्शन का इंतजार सभी आईपीएल फैंस कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ऑक्शन जल्द ही स्टार्ट होगा, लेकिन ऑक्शन डेट के बारे में बात करें उससे पहले बताना चाहूंगा कि इस बार के ऑक्शन में लगभग 200 से ऊपर प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, और ऑक्शन में आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ऑक्शन से पहले रिटेंशन की प्रक्रिया में सभी टीमें खुल करके प्लेयर्स को रिटेन और रिलीज कर पाएगी, और आईपीएल 2023 का ऑक्शन दिसंबर के अंत में देखने को मिलेगा। यानी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद आईपीएल 2023 का ऑक्शन बीसीसीआई स्टार्ट कर देगी, और ये ऑक्शन 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि सिर्फ एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ड्राफ्ट विंडो को लेकर। तो आईपीएल 2023 में कुछ प्लेयर्स काफी महंगे बिक सकते हैं, जहां पर 5 काफी बड़े प्लेयर्स के बारे में बात करें और उनकी प्रेडिक्टेड टीमों के बारे में बात करें तो पहला नाम आता है वेंकटेश अय्यर का। और वेंकटेश अय्यर अगर ऑक्शन में आते हैं तो इस प्लेयर के ऊपर 4 से 5 करोड़ तक की बिडिंग लगेगी, और इस प्लेयर को सनराइजर्स हैदराबाद या फिर गुजरात टाइटन्स की टीम ऑक्शन में खरीदती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है कैरन पोलार्ड का, और पोलार्ड के ऊपर भी ऑक्शन में अच्छी खासी बिडिंग देखने को मिलेगी, जहां पर लगभग 5 करोड़ तक की रकम में पोलार्ड बिक सकते हैं। और इस प्लेयर को राजस्थान, पंजाब और अब रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि बेंगलोर की टीम भी टारगेट कर सकती है, क्योंकि कैरन पोलार्ड बेंगलोर की टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में अच्छा काम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा बड़ा नाम आता है क्रिसलिन का, और क्रिसलिन को लेकर के अभी से ही लगभग कन्फर्म हो चुका है कि कोलकाता की टीम इस प्लेयर को परचेज करेगी, क्योंकि क्रिसलिन केकेआर की टीम को अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप करके दे सकते हैं। और लिन के ऊपर ऑक्शन में लगभग 5 करोड़
तक की बिडिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद चौथा बड़ा नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का, और वरुण चक्रवर्ती को ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि मुंबई को बेहतरीन प्लेयर की तलाश है जो कि स्पिन बॉलिंग कर सके, और वरुण चक्रवर्ती के ऊपर भी ऑक्शन में 5 करोड़ तक की बिडिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद इस लिस्ट के पांचवे और अंतिम प्लेयर है सुरेश रैना, और सुरेश रैना भी आईपीएल 2023 के ऑक्शन का पार्ट बनेंगे, और काफी हाईली चांस है कि इस प्लेयर को ऑक्शन में गुजरात या फिर लखनऊ की टीम परचेज कर ले, और अगर रैना सस्ते दामों में बिकते हैं तो यहां पर राजस्थान आरसीबी जैसी टीमें भी मिडिल ऑर्डर के लिए रैना को ऑक्शन में अप्रोच कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो को लेकर। तो आईपीएल के ट्रेड विंडो में कुछ प्रेडिक्टेड प्लेयर्स का नाम सामने आ चुका है जो कि अलग अलग टीमों में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तो पहला बड़ा नाम है देवदत्त पड्डीकल का, और इस प्लेयर को सनराइजर्स हैदराबाद और यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों ही टीमें अपने अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि दोनों टीमों को बेहतरीन इंडियन ओपनर की तलाश है। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है कैरन पोलार्ड का, और अगर पोलार्ड ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं तो इस प्लेयर को पंजाब और लखनऊ की टीम ऑक्शन से पहले ही अपने स्क्वाड में ट्रेड करना पसंद करेगी। इसके बाद तीसरा बड़ा नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का, और इनके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि मुंबई की टीम किसी भी तरीके से वरुण चक्रवर्ती को अपने स्क्वाड में लेना चाहेगी, क्योंकि मुंबई को स्पिन बॉलर की तलाश है। इसके बाद चौथा बड़ा नाम आता है पैट कमिंस का, और पैट कमिंस को ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट और दिल्ली कैपिटल्स ये तीनों ही टीमें टारगेट करेगी, क्योंकि तीनों टीमों को फॉरेन फास्ट बॉलर की तलाश है। इसके बाद पांचवा और अंतिम नाम आता है केएस भरत का, और केएस भरत को ऑक्शन से पहले आरसीबी अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहेगी, क्योंकि आरसीबी को बैकअप विकेट कीपर की तलाश है। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है पंजाब किंग्स के रिलीज प्लेयर्स को लेकर। तो पंजाब की टीम जिन प्लेयर्स को अपने स्क्वाड से बाहर करेगी उसमें नाम आता है शाहरुख खान का, इसके बाद नेथन इलिस, राज अंगद बाबा, ओडियन स्मिथ, बी होवेल, प्रभा सिमरन सिंह, डब्लू चटर्जी, ईशान पौरेल, अंश पटेल और अथर्व तारडे जैसे प्लेयर्स को पंजाब की टीम अपने स्क्वाड से बाहर कर देगी। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा की तरफ से, और तिलक वर्मा ने डेवाल्ड ब्रेविस को अपना भाई करार दिया है, जहां पर तिलक वर्मा ने बताया है कि डेवाल्ड ब्रेविस उनके भाई की तरह है, और करेंटली यहां पर डेवाल्ड ब्रेविस तिलक वर्मा समेत सभी प्लेयर्स इंग्लैंड में मुंबई इंडियंस और काउंटी के बीच होने जा रहे प्रैक्टिस मैच का पार्ट बन रहे हैं। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी अपडेट है इंडिया वेस्ट इंडीज के सेकेंड ओडीआई को लेकर। तो ये आज शाम 7 बजे से डीडीएस स्पोर्ट्स पर स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था आईपीएल से रिलेटेड कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।